उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कांट तहसील के मोहल्ला मान नगर में आज सुबह अचानक तेज आवाज के साथ धमाका हुआ। धमाकों की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। धमाके की चपेट में आकर गोदाम में काम कर रही महिला इंद्रेश, शिवानी, चंचल, काजल, प्रियंका व तुषार घायल हो गए। धमाके की सूचना के बाद मौके पर पहुंची कांट पुलिस ने पहले सभी घायलों को कांट के CHC पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर सभी घायलों को एम्बुलेंस से मुरादाबाद के जिला अस्पताल भेज दिया गया है। जिला अस्पताल में जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए और घायलों को बेहतर उपचार दिलाने के निर्देश अस्पताल प्रशासन को दिए। प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि कांट तहसील में लाइसेंसी आतिशबाजी के कारोबारी साजिद का गोदाम है। पुलिस को अब ये देखना पड़ेगा कि साजिद ने नियम अनुसार अपना लाइसेंस रिन्यूअल कराया था या नहीं। मुरादाबाद की कांट तहसील में आतिशबाजी कारोबारी के यहाँ हुए धमाके में घायलों की जानकारी मिलने पर मुरादाबाद के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने तुरंत SDM कांट और CO कांट को मौके पर भेजा। इसके साथ ही मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भी घायलों के आने से पहले उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। कांट से रेफर के लिए कॉल आई हमारे पास, हम वहां पे पहुंचे, काफी लोग थे, 3 पेशेंट को हम लेके आए जिला अस्पताल मुरादाबाद। यहाँ पे 6 लोग आ चुके हैं, 1 महिला है, 3 लड़कियाँ हैं। वहाँ पे चीख पुकार हो रही थी काफी तेज, हमारे पे जैसे कॉल आई, हम मौके पर पहुंचे, हमने शिफ्ट करा गाड़ी में और यहाँ मुरादाबाद लेके आए। इन लोगों ने बताया कि पटाखों की फैक्ट्री थी, वो तो यही लोग ही बता पाएंगे। हम तो वहाँ अस्पताल में जैसे हम पहुंचे तो हमें वहाँ से लेके यहाँ पे आए। हाँ, हम तो यहाँ पे 6 लोग आए हैं, 2 गाड़ी आई हैं अभी, 108 की जी, दूसरी गाड़ियाँ आ रही हैं, लगभग 10-15 के बीच होंगे समथिंग वहाँ पे हॉस्पिटल में, टोटल जिनको हम लेकर आए सारे। जैसे एम्बुलेंस से पटाखा फैक्ट्री में घायल हुए मरीज मुरादाबाद के जिला अस्पताल पहुंचे, वहाँ मौजूद डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू कर दिया। खुद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी जिला अस्पताल पहुंच गए और घायलों के साथ आए उनके परिजनों से घटना की जानकारी ली। ऐसा बताया जा रहा है कि कांट में कोई आतिशबाजी फैक्ट्री की कोई फैक्ट्री थी, वहाँ कोई प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ 7 जले हुए मरीज आए हुए हैं। उसमें से एक मरीज 70% जला हुआ है, एक 50% और बाकी 40% के आसपास हैं। 2 मरीज गंभीर हैं, बाकी 5 मरीज स्टेबल हैं। सभी को भर्ती कर दिया गया है और उनको उपचारित किया जा रहा है। किस तरीके की इंजरी है, फायर इंजरी है, क्या है? नहीं, वो पटाखे की फैक्ट्री में बता रहे हैं आग लगी है, उसी में से घायल हुए हैं मरीज, जले हुए हैं, तो स्टेबल हैं। 2 मरीज गंभीर हैं, बाकी 5 स्टेबल हैं। नहीं, इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं कि वहाँ क्या क्या जला है, वो तो देखेंगे। बाकी जो मरीज जले हुए आए हैं उनका इलाज हो रहा है। जो भी मरीज आएंगे सबका इलाज किया जाएगा, जितने भी आएंगे। प्रशासनिक अधिकारी पीयूष शर्मा ने बताया कि सभी घायलों का बेहतर इलाज किया जा रहा है। घायल की हालत गंभीर है, विचार किया जा रहा है कि उसका इलाज यहाँ ही हो जाएगा या उसे हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। मैं ज्ञात हुआ है उसमें थोड़ा जो लेबर काम कर रही थी उसमें विस्फोट हो गया था और प्राइमरी अब 6 मरीज हमारे यहाँ आ चुके हैं। मतलब वैसे सभी ठीक है, परंतु डॉक्टर से हमने पूछा है तो उसे 2 के लिए मतलब थोड़ा सा यह रेफर करने के लिए कहा गया है। तो अभी इसकी हम SPRA साहब जा रहे हैं उधर जांच करने के लिए। SDM से मेरी बात हुई है तो वैसे आबादी क्षेत्र से बाहर है, रिन्यूअल उसका है नहीं है, जांच का बिंदु है, हम लोग देख रहे हैं और जल्दी जल्दी कोई चीज़ होगी तो आपको और सूचना देंगे। जांच के बाद ही क्लियर होगा। हम स्पेशल 2 लोग उधर जा रहे हैं, अभी जांच का बिंदु है, अभी SDM वहाँ हैं, मौके पे हैं और हम SPRA साहब यहाँ पे हैं। अभी यहाँ 6 लोग यहाँ आ चुके हैं जो कि महिलाएं हैं। अब देखिए डॉक्टर साहब देख रहे हैं, हमारे 2 डॉक्टर लगे हुए हैं, उनके साथ और स्टाफ पूरा लगा हुआ है, आपके सामने है ही हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको पूरी मतलब उसका एग्जाम यहाँ कर ले और सुबह रेफर करना हो तत्काल हम लोग रेफर। इसके साथ ही ये भी जांच कराई जाएगी कि आतिशबाज कारोबारी का लाइसेंस नियमानुसार रिन्यूअल कराया गया था या पुरानी समय सीमा समाप्त लाइसेंस पर ही कारोबारी कार्य कर रहा था। इसके साथ ही इतनी गंभीर घटना किस कारण हुई इसकी भी जांच कराई जाएगी। आठ में एक्सप्लोजिव की दुकान में अभी करीब 1 घंटे पहले आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी।
वहाँ पे फायर ब्रिगेड भी गई और वहाँ रेस्क्यू किया गया। तो उसमें से वहाँ पे जो काम करने वाली 6 महिलाएं थी वो प्लस एक आदमी, इतने लोग आग से झुलसे हैं और उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुछ लोग मेरठ के लिए भी रेफर किए गए हैं। प्रथम दृष्टया जो छानबीन में आया वो पता चला कि वो लाइसेंसी दुकान है जिसको सन 2022 तक का नवीनीकरण हुआ है। बाकी आग लगने की जो घटना है, किन परिस्थितियों में लगी, कैसे हुआ, उन सब के लिए फॉरेंसिक टीम भी भेजी जा रही है और जो भी उसमें जांचोपरांत चीज़ें सामने आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई की